नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी बड़ी घटना सामने आई है जिससे कि सूबे में पूरा हड़कंप मच गया है। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं क्या ये पूरी खबर है। तो तपोवन स्थित हिमाचल विधानसभा के गेट पर लगे खालिस्तान के झंडे दीवारों पर भी लिखा। कांगड़ा जिला के धर्मशाला के तपोवन स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर पिछले कल रात को किसी ने खालिस्तान के झंडे लगाए हैं। सुबह होते ही जब लोगों को इस बारे में पता चला तो पुलिस को सूचित किया गया। वहीं इसके पीछे किसकी शरारत है, वो किसने यह सब किया है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। वहीं पुलिस अन्य स्थानों पर स्थापित CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगालेगी। दूसरी ओर बात करें तो खालिस्तान की तरफ से लगातार बीते दिनों में धमकियों का सिलसिला भी बढ़ा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को संबोधित करते हुए संदेश जनता को फोन के माध्यम से दिए जा रहे थे। उसके बाद खालिस्तान के झंडे लगाकर पंजाब से आने वाले कुछ युवक अपने मोटरसाइकिलों व अन्य वाहनों में ये झंडे लगाकर आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने उतरवाया भी था। और उसके बाद शिमला में भी इस तरह के झंडे लगाने संबंधित धमकियां दी जा रही थी। अब ऐसे में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा भवन में खालिस्तान के झंडे लग गए हैं। हालांकि पुलिस ने सुबह ही इन्हें हटा दिया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने कहा कि पड़ताल की जा रही है कि यह किसने किया है। अन्य जगह लगे CCTV कैमरे की फुटेज भी जांची जाएगी। विधानसभा के बीर 1-4 की गार्ड है। विधानसभा में CCTV कैमरे लगने का प्रस्ताव था, लेकिन अभी तक यहां CCTV कैमरे नहीं लगे हैं। यह किसी की शरारत है, ऐसा पड़ताल में पता लगा है कि कोई मोटरसाइकिल वो गाड़ी गुजरी है जिन्होंने यह किया है। तो यही थी बड़ी विशेष खबर कि कांगड़ा जिले के धर्मशाला में तपोवन स्थित हिमाचल विधानसभा के गेट पर जो है खालिस्तान के झंडे और दीवारों पर भी कुछ लिखा गया है, तो जिससे कि सूबे में हड़कंप मच गया है। तो यही थी बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।